पहला लेटर हम लोग देखेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट अपने बटालियन से लेने के लिए। सो आइए देखते हैं, पहले एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस अपना एड्रेस जमशेदपुर एंड अपना डेट उसके बाद 11 अगस्त। फिर एक लाइन यहाँ छोड़ना है, एक लाइन छोड़ने के बाद टू टू द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर क्योंकि हम लोग कमांडिंग ऑफिसर को लिख रहे हैं, टू द कमांडिंग ऑफिसर 37 झारखंड बटालियन एनसीसी जमशेदपुर, जहाँ एड्रेस है वो लिखना है, आपका जो बटालियन है वो। ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड मस्ट रिमेंबर कि सब्जेक्ट आपको लिखना है क्या, रिक्वेस्ट फॉर एनसीसी सी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आई होप क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट रिस्पेक्टेड सर, उस रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करना, फिर क्या लिखना है आइए देखते हैं। फिर आई एम, उसके बाद अपना नाम लिखना है रैंक के साथ, देन आफ्टर रेजिमेंटल नंबर, फ्रॉम कॉलेज अपना कॉलेज का नाम, रेजिमेंटल नंबर और नेम ये सब लिखना है। देन आफ्टर आई अपियर्ड फॉर एनसीसी सी एग्जाम इन फरवरी 2023 एंड आई हैव पास्ड इट, मैं 2023 में एग्जाम के लिए अपियर हुआ और इसको पास किया। देन आई रिक्वायर्ड एनसीसी सी सर्टिफिकेट फॉर अग्निवीर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने एग्जाम दिया पास किया एंड नाउ आपको भी सी सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये यहाँ तक हो गया। देन आफ्टर आप लिखोगे सो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू माई प्रोविजनल सी सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके जितना जल्दी हो सके मेरे इशू की जाए क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। नेक्स्ट आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका नाम और सिग्नेचर, ये है पूरा फॉर्मेट अगर आपको सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट अपने बटालियन से इशू कराना है।